नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, कई दिनों के बाद आज धूप खिली है हमारे यहाँ। पिछले करीब 1.5 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश के बाद धूप खिली है, तो सारे पौधों में एक नई एनर्जी सी आ रही है। और आज मैं अपने गार्डन में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या मैं कर रहा हूँ और क्यों ये काम सारे ज़रूरी हैं। तो आप भी, आपके यहाँ अगर धूप खिली हो कई दिन के बारिश के बाद, तो आपको भी क्या ज़रूरी काम है जो कर लेने चाहिए, जिससे कि आपके पौधे, आपके प्लांट्स जो आप मेहनत करके अपने छत पे उगा रहे हैं, वो ख़राब ना हो, किसी तरह से बच जाएं इस सर्दी की बारिश में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, जो पहला काम है, आपको अगर दिखे कि कई दिन बारिश हो गई है, तो आप हमारे गमले की जो मिट्टी है, मैं आपको दिखाऊं, इस प्रकार देखिए, ये मिट्टी पूरी तरह से गीली है और लगभग 1-1.5 हफ्ते से ये मिट्टी में मॉइस्ट पानी का बना हुआ है, एक्स्ट्रा वाटर। और गमले का वज़न भी देखिए, उस पानी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अगर आपके पौधे में भी इस प्रकार है, किसी भी गमले में पानी लगा हुआ है या फिर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, तो आप पौधे की प्लेसिंग देखें। अगर उस पौधे पे मिट्टी पे धूप नहीं पड़ रही है, तो उसको आप शिफ्ट करें और ऐसी जगह पे पहुंचाएं जहाँ पे उस मिट्टी को धूप पूरे दिन की आराम से लगे। तो मैंने देखिए, जैसे जो भी पौधे मेरे छाए में पड़े हुए हैं, उन्हें मैं पहले तो शिफ्ट करूँगा कि उनको जो दिन भर की धूप है वो लगे। आप देखिए, इस प्रकार सारी मिट्टी मेरे पौधों की, गमलों की, गीली हो रखी है। तो इन्हें मैं शिफ्ट करूँगा ताकि धूप में अच्छे से मिट्टी सूखे। ये जो पहला काम है, ये दोस्तों हमको ये कर लेना है कि पौधे को, मिट्टी को सुखाना है। दूसरा जो ज़रूरी काम है दोस्तों, कि अभी चूंकि मिट्टी गीली हुई है और इतनी बारिश में जो एक्सेस वाटर होता है, उसके साथ हमारी सारी कंपोस्टिंग जो भी हमने दी होती है, वो निकल जाती है। तो हमको अभी जो है ड्राई कंपोस्ट, जो भी आपके पास हो, काउडंग कंपोस्ट हो, लीफ मोल्ड से बनी हुई कंपोस्ट हो, या अपना किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट हो, या जो भी हो, आप ड्राई कंपोस्ट अभी अपने पौधों में यूज करें। तो आप इस प्रकार एक मुट्ठी लेके और इस पौधे में चारों तरफ डाल दें। और डालने के बाद, ये एक काम है जो आपको अपने पौधे की ग्रोथ के लिए करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सारी कंपोस्ट लगातार 1 हफ्ते की बारिश में एक्सेस वाटर के साथ बह के निकल जाती है नीचे के ड्रेनेज होल से। तो इसमें कंपोस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब कंपोस्टिंग करने के बाद दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये मेरा स्टार फ्रूट का पौधा है, और आप इसकी मिट्टी देखिए कितनी ज़्यादा इसमें हरे हरे कलर के पूरे वो लग गए हैं, आप काई कहते हैं हम इसे, तो काई लग गई है पूरी गीली होने की वजह से मिट्टी। तो इसमें हमने क्या करना है कि हम जो, देखिए, मैं तो काउडंग कंपोस्ट ले रहा हूँ, तो मैं इसे एक मुट्ठी इस पूरे गमले में चारों तरफ से भुरभुरा दूंगा, मिला लूँगा, और इसके बाद हम इसकी कर देंगे काफ़ी अच्छे से गुड़ाई। गुड़ाई दोस्तों आपको अपने सभी प्लांट्स की करनी है, सभी गमलों की, क्योंकि जो गुड़ाई करने से क्या होता है कि मिट्टी ऊपर की परत जो होती है वो ढीली हो जाती है। जब मिट्टी ढीली हो जाती है, तो एरेशन की वजह से जो नीचे की गीली मिट्टी है वो भी आपकी जल्दी सूख जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा वाटर आपके गमले में है वो निकल जाएगा, और भुरभुरा मिट्टी गुड़ाई करने से एक दिन के धूप में भी आपकी गमले की मिट्टी काफ़ी अच्छी सूख जाएगी। तो मिट्टी को गुड़ाई ज़रूर करना है। तो ये तीन काम हो गए दोस्तों, गमले को धूप में रखना, पूरे दिन की धूप दिखाना, उसमें ड्राई कंपोस्ट यूज करना, फिर उसकी गुड़ाई करना। अब दोस्तों, उसके बाद जो भी आपके पत्ते जैसे ख़राब हो रहे हों, जो देखिए, जैसे मेरा हींग का पौधा है, कुछ पत्ते बारिश की वजह से लगातार पड़ रहे पानी से ख़राब हो गए हैं, या फिर कुछ जो कीड़े होते हैं बारिश में ज़्यादा पनप जाते हैं, उनकी वजह से जो पत्ते ख़राब हो जाते हैं, आप उन पत्तों को, या कोई अगर किसी पर रोग लग गया हो पौधे पे, तो उस ब्रांच को, उस पत्ते को आप पौधे से काट छाट के अलग कर दीजिए। ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं अलग करेंगे उन्हें, तो वो बाकी पौधे पे भी फैल जाएंगे। तो ये दोस्तों चौथा काम है। और उसके बाद पाँचवा काम जो आप कर सकते हैं, वो ये है कि अभी मौसम में नमी थी, पत्तों पे जो भी फंगस होगा या जो कुछ अटैक्स होंगे किसी कीड़े के, या एफिड अटैक हो, माइट अटैक्स हो, जो भी हो,
नमी की वजह से ज़्यादा अटैक्स आ जाते हैं। तो आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर ये देखिए आप वुड एस है, राख, इसका प्रयोग भी हम अपने पौधों पे देखिए इस प्रकार हमने छिड़काव कर देना है, सभी पौधों पे, पत्तियों पे, सभी पे इसको छिड़काव कर दीजिए इस प्रकार। अब कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों पे ये आपकी वुड एस जो है ये पड़े, और 24 घंटे के बाद आप इन्हें वापस से पानी से धुल दीजिए, या फिर अगर नहीं धुलना चाहते हैं आप, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा वैसे ही पड़ चुका है तो आप नहीं धुलना चाहते, तो आप सभी पौधे की ये स्टेम पकड़िए और इसको यूं यूं साफ कर दीजिए। इस प्रकार एक बार हिला देंगे तो सारी जो राख है वो 24 घंटे बाद आपकी राख नीचे गिर जाएगी और वो मिट्टी में चली जाएगी, तो वो फिर आपके कंपोस्ट का काम कर जाएगी। तो आप राख यूज कीजिए आप, या फिर आप चाहें तो नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं, किसी फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे भी कर सकते हैं, उसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर मिला के अपने सभी पौधों पे स्प्रे कर दीजिए। इससे भी जो भी फंगस होंगे, जो भी माइट्स अटैक होंगे, ये सारे नहीं लगेंगे। तो ये दोस्तों पांचवा काम। और एक आखिरी काम जो मैं आपको बताऊं कि जो राख है आपकी, इस राख को आप अपने पौधे की जो मेन स्टेम जहाँ से आ रही है वहाँ पर आप, जैसे ये देखिए मेरी मिट्टी काफ़ी गीली है, तो इसको क्या करना है आपको, मैंने राख ले ली और ये जो मेरी मेन स्टेम है इस मेन स्टेम के चारों तरफ से हल्की हल्की डाल के छोड़ देनी है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो भी मिट्टी में जो कीटाणु होंगे जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो आपके पौधों पे नहीं जा पाएंगे उस राख की वजह से। तो ये कुछ ज़रूरी काम थे दोस्तों जिनको आपको, अगर आपके यहाँ मौसम ख़राब है और एक दिन की भी धूप निकलती है तो ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे कि आप अपने पौधों को ख़राब मौसम में भी बचा सकें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।